आरबीआई ने रुलाया क्योंकि लोग बहुत उम्मीद में थे कि इस बार रेट कट होगा, नहीं हुआ। सुनील सिन्हा, आरबीआई ने तो रुलाया लोगों को, बहुत उम्मीद थी लोगों की, हमारे पास भी लोगों के लगातार सवाल आ रहे थे कि कितना रेट कट होगा कितना नहीं होगा, और तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, लेकिन नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। सुनील सिन्हा, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त के लिए आरबीआई की जो दूसरी पूरी कमेंट्री रही है, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ को लेकर रही हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन को लेकर रही हो, आपको क्या लगता है फेड एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसके बाद बहुत कुछ डिसाइड होगा? फेड का इवेंट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इन एंटिसिपेशन के फेड जो है रेट हाइक करेगा, देर हैज बीन अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमीज, और जिसका खामियाजा जो है हमें भी भुगतना पड़ा, और हमारी करेंसी जो है वो ऑलरेडी प्रेशर में आ गई, और पिछले एक महीने में वी सॉ द सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन इन रूपीज। अब आप इसको दो तरीके से देखिए, एक तो डेप्रिसिएशन इन रूपी है, दूसरी तरफ जो है ओपेक कंट्रीज के प्रोडक्शन कट की वजह से हमारा जो एवरेज क्रूड इंपोर्ट का प्राइस जो तकरीबन 45-46 डॉलर पर बैरल था, वो अब 52 डॉलर पर बैरल हो गया है, और आने वाले समय में वो और भी बढ़ सकता है। तो जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट इन्फ्लेशन का है वो इस चैनल के थ्रू डेफिनेटली इकोनॉमी को आने वाले समय में इम्पैक्ट करेगा, और दूसरी तरफ जो है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका बेस इफेक्ट जो अभी प्ले आउट हो रहा था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत जो है इन्फ्लेशन में गिरावट नजर आ रही थी, वो जनवरी के बाद खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है उसमें कोई गिरावट की बहुत ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है, और ये इसका हवाला आरबीआई की कमेंट्री ने भी दिया है, और अभी जैसा चक्रवर्ती साहब है वो भी दे रहे थे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद करना कि सिर्फ बिकॉज डीमोनेटाइजेशन हो गया है और इस समय बैंक में लिक्विडिटी है तो रेट कट होने चाहिए, मेरी समझ से थोड़ा सा मिसप्लेस था। हाँ, एक बात जरूर है कि इस लिक्विडिटी चाहे वो टेम्पररी हो तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ हद तक जो बैंक्स हैं उनके एमसीएलआर गिरे हैं तो वो कुछ हद तक पास ऑन कर सकते हैं, तो वो बेनिफिट आने वाले समय में मुझे उम्मीद है। चलिए, मैं यही सवाल लेके गया था वेंकटेश जी के पास और मैं फिर से उनसे पूछूंगा, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में बैंक्स बहुत बिजी हैं और देश भर के बैंक उसमें काफी बिजी हैं, इसलिए हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी देर हो, लेकिन मैं इस सवाल को लेकर आऊंगा मिस्टर वेंकटेश आपके पास। उससे पहले देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद, फिर आते हैं आपके पास। Here are we being referred to as the fastest growing major economy in the world. 2 years we've been fastest, I have no doubt we'll continue to be so this year. Few years from now we hope to evolve from a developing emerging economy into a developed economy. We of course have our own developmental challenges. तो वित्त मंत्री बोल रहे थे इकोनॉमी को लेते हुए, लेकिन वेंकटेश साहब आप कह रहे थे कि हाँ उम्मीद है और रेट कट होगा, तो वेंकटेश साहब जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं उनको भी कुछ बताइए कि किस कब तक उम्मीद करें, क्योंकि हमें पता है कि पूरे बैंक्स देश भर के डीमोनेटाइजेशन में बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बैंक्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बैंक्स के लोग वाकई बहुत ज़्यादा इस वक्त बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद कब तक उम्मीद करें? मेरे अंदाज़े से डिपॉजिट्स नए डिपॉजिट्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाएगा, उसके बाद वो फंड्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसलिए शायद वो रीप्राइसिंग डेफिनेटली होगा। एमसीएलआर तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है, इसलिए नया डिपॉजिट आने के बाद उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ फंड्स रिवर्क करके उसका वो बेनिफिट क्या बेनिफिट है वो बेनिफिट डेफिनेटली बोरोअर के लिए पास ऑन करेंगे। तो शायद मेरे अंदाजे से शायद थर्ड वीक ऑफ डिसंबर, फोर्थ वीक ऑफ डिसंबर, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बैंक्स विल लुक एट इट, द एल्कोस विल लुक एट इट, एंड द एल्को विल देन डिसाइड एज टू हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड हाउ मच कैन बी passed on. So shortly, I would say around 3-4 weeks time, mein, at least you will see some 10 to 15 basis point ka correction in MCLR. Okay, sir. Sir, आप रहिए मेरे साथ। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने क्या कहा ये भी सुनाते हैं, फिर आते हैं अपने पैनल के पास। Growth of GDP, that is RBI's projection, they are projecting at about 7.1%, and in government, in the finance ministry, we are reviewing the situation, we are analyzing, and it's a bit early in the day to
rush to any particular number. But one thing which the RBI projection brings out is that counters the excessive negative outlook which is being projected with regard to GDP in various quarters. The decline in GDP has been projected at much higher levels by several other quarters, and I think RBI projection counters that. But so far as finance ministry is concerned, going forward, we feel that it's a bit early in the day to take a call, and we will analyze the numbers and take a view. ठीक है, तो आरबीआई पूरे हालात पर, माफ कीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि उसके अलावा उसके साथ ही कॉल लेंगे. एक फाइनल कमेंट बंसल साहब आपसे ही, तो बंसल साहब कब तक उम्मीद करें एक आम जो कर्ज लिया हुआ है जिसने एक आम कस्टमर वो कब तक उम्मीद करे कर्ज सस्ता होने की? देखिए मंथ एंड तक जरूर मेजर बैंक्स अपने लेंडिंग रेट रिव्यू करके और मार्केट में अनाउंस करेंगे, ऐसा होना चाहिए 4-5 हफ्ते में. बट वी मे नॉट एक्सपेक्ट ए शार्प इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन ऑन द लेंडिंग. मे बी इट कुड बी मार्जिनल, मे बी 10-15 बेसिस पॉइंट, कुड बी 0.25 और मे बी इन सम सेक्टर 0.50 वेयर बैंक्स वांट टू इंसेंटिवाइज देयर कस्टमर्स. ओके, आप ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया एवन आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो आरबीआई ने रुलाया, क्या बैंक राहत देंगे? अब सवाल यही है और लगातार बैंकर्स ये कह रहे हैं हमारे पैनल में भी कि ठीक है सीआरआर और दूसरे जो तरीकों से बैंकों को राहत देने की कोशिश की आरबीआई ने, अब बैंक राहत दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को और आने वाले वक्त में दिखेगा. कब दिखेगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी. फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही. नमस्कार.